ब्याव की गारी कितनी आपका सुनाई, हमारी मताई बहने भी सुन रही, भैया लोग भी बैठ के सुन रहे हैं। अनेकन प्रकार की गारी गाउती हैं मताई बहने, जब जौन उपलक्ष होए, जब जौन संस्कार होए, बे गाउती ऊ के अलावा भी हंसी मजाक हो जात, कबो कबो अपने श्रीमान जी खा लेके हो जात, कबो कोनो बात खा लेके हो जात। गा रही सखियां, देखो आप, एक जनी परेशान हुई सो कह रही उनसे, काहे अलग अलग मैटर सबके होत हो, कह रही सखी, अरे रोज रे साए दिन बाकी ना जाए, मैंने का कई बलम से Thank you.
खेलवो खावो तो ठीक है, कह रही बेचारी करंगा महल लेखे चौपरदारी। क्या व्यवस्था है, पूरी है व्यवस्था? व्यवस्था तो बहुत कर दी कर तो। तुम तो खेलो एक नदी राजू के संगे ना गरम लगा जिया जी। और है बात तुम समझ सकते हो, बता बताओ। अरे चंपा चमेली की सेज लगाई, ओए अपन से ज्यादा ये जानती क्या बात, ठीक है हाँ कहीं नहीं आ जानती नहीं क्या जाना तो। अरे चंपा चमेली की सेज तो दीदी हम ही जनी करती वो सेज लग गई फिर का हो दे वाओ। चंपा चमेली की सेज लगाई, वो सो गए बगल में बे फूतर फुलाए। रात के कारूंगा जब देखो जब मुंह बनो मारे देखो कैसो आनंद आगा। सखियां समझ रही पूरी बात, देखो तुम टॉप टॉप की बैठी मुंगर काले। सो गए बगल में वे पूतर बोलाए, मैंने कहा कई शादी ब्याह में का होत है बताई बहने। पानी भर भी जाती बहुत सारी गगरियां लेके चली जाती, रास्ता में भी गाउत जाती और जब कुआं पे पहुंच जाती तब गाउती। जो औरत पानी खींच रही हो उखा देख देख के गाती। अरे पतरी सी कुइया पतील पानी, हम जानी तुम जानी। पतरी गाती है अरे ठाणे ठाणे भरे को गणेश की बेन, ठाणे ठाणे भरे बैठे बैठे भरे अग्नि उरे भरे बाहे सियानी। अरे पति से पुया पतील पानी,
जा रही हो, इतनी नौनी सजी है। अरे करे भारी श्रृंगार के रऊ रही है निहार, और नौनी जवानी है गदरानी, नौनी जवानी है गदरानी। अरे हम जानी के तुम जानी, पतली कुइया पतील पानी, हम जानी के तुम जानी, पतली सी कुइया पतील पानी, हम जानी के तुम जानी। बहुत ऐसे गीत हैं जो शादी ब्याह में अपने ते गाए जाते, उनमें से एक गीत जो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सुनाएं, कोशिश हमने करी है कि कन्हैया कैसेट के माध्यम से बहुत पुरानी चीज़ें आप तक हम भेजें, उनमें विशेष सहयोग और प्रस्तुति है हमारे बड़े भैया आदरणीय दीपक सेठ जी की। गाते हैं के मोए आसे छेल दोवारे को, द्वारे को छेल कहो मरा तुमको नहीं कहू खुआ से बिल्कुल आसे ये तो। अरे चलत तो फेरत तो मोरे घुंघटा ने रखे, और छेल तो छेल होत कछु भी नहीं रख सका। अब वो रात से देखती हो है आमने सामने घर पर हो तो देखा कि क्या है बढ़िया हां के चलत तो फेरत तो मोरे घुंघटा ने रखे, रखे सो असल नर खैया छन रावारे को मोए
कितनो मैं नहीं पड़ोसी की कोई ऐसी आदत होता क्या है के द्वारे कड़बो मुश्किल मोरो बड़ी मुश्किल की बात है तो द्वारे कड़बो मुश्किल मोरो ख्याल करे ना घर बारे को मोरे और लेके गगरिया में पुवला पे पहुंची उतई जाता और पहले पहुंच जा तू हम बाद में पहुंचा तब तो बड़ी परेशानी है लेके गगरिया दुनिया कुवला पे पहुंची मैं कुवला पे पहुंची बैठो तई सकारे कोई मोए आसे ए मोए आसे छेले तो आवे को मोए आसे हां मोए आसे छेले तो आवे को मोए आसे बिल्कुल ठलुआ पड़गा पड़ोसी है राम भाई ऐसा या है कैसो कछु ना कछु काम जाने था आप ही का देखा था रात वो 24 घंटे नहीं बन गया उनकी और घर की तिरिया दबा ना पावे घर की तिरिया दबा ना पावे नैया कछु सुख सारे लगाओ के कई साले हो गई ब्याओ खा कई साले री हो गई है ब्याओ खा पर नैया डोल कबू कबू काहो थे और ज्यादातर आज के जमाने में तो जोई जोई हो रहा हो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में
हमारे एक बहुत अच्छे कवि हैं, उन्हें लिखो है कि दूध दही और मठा बेकत है। अब जा तो आप लोग भी समझ रहे हो कि दूध दही मठा कितने बिक रहा हो, बाकी सामान कितने बिक रहा हो। लिखो है उन्हें, अरे दूध दही और मठा बिकत है, देखो गलियन गलियन में, ओ तारू बिकत महलियन में, दूध दही और मठा बिकत है, देखो गलियन गलियन में, और तारू बिकत महलियन में। ई दुनिया की जो रीत है आप लोग समझ रहे हो, अरे दुनिया के हैं गजब के धंधे, आज की दुनिया की, दुनिया के हैं गजब के धंधे, हर दम काम करत जो गंदे, नैया उनके तन कौ मंदे, ओ कच्ची बकरी पक्की हो गई, कच्ची बकरी पक्की हो गई, केवल पुरियन पुरियन में, और दारू और ज्यादातर लोग का करत है, सबको गांजो दारू पीवे, अरे सबको गांजो दारू पीवे, दूध और दही तनक ना छीवे, कछु परसेंटेज में ऐसे लोग हो गए, कछु बच्चा ऐसे हैं आज के उन्हें दूध दही बसात है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हुई हो जावाद के दारू गांजो सबको पीवे, दूध और दही तनक ना छीवे, नशा नशेल को जीवन जीवे, दत्ता बाई की मानत नैया, दत्ता बाई की मानत नैया, दत्ता बाई की मानत नैया, झूमत फिरत दोपहरियन में, हर दारू बिकत महलियन में। और जब दूध दही नहीं खा रहे आदमी तो लिख रहे कवि, अमृत की है जात तो हीन, आज के जमाने में वह खराब समझत आदमी, तो उन्हें लिखो है, अमृत की तो जात तो हीन, धर्म बनो अधर्म के हीन, और बेईमानन की बज रही बीन, श्यामा मूर्ख रहत महलन में, श्यामा मूर्ख रहत महलन में, ज्ञानी रहत टपरियन में, तो तारू बिकत महलियन में, आ तारू बिकत महलियन में। दूध दही और मठा बिकत है, देखो गलियन गलियन में, अरे
देखो आप, पति पत्नी में जब जब लड़ाई हो बे घरन में, सो या तो होत लेवे देवे पे होन, या होत एक मैटर ऐसो होत पति पत्नी के जीवन में वो सबसे खतरनाक हो। काहे कि महिला कौन भी समझौता कर ले, लेकिन ऊ के श्रीमान जी अगर दूसरी जगह टाको फिट कर रहे तो गड़बड़ है। सही है, सब चीज में पार्टनरी हो जाए, जेवर में हो जाए, मकान में हो जाए, सब में हो जाए, लेकिन श्रीमान जी में नो पार्टनरी, कोई समझौता नहीं। कह रही बेचारी श्रीमान जी से, कह रही कि आ रही हो समझ में तो ठीक है, नहीं तो कई उपाय हैं समझावे की। अरे मजा आ रहा है रोज की लड़ाई में, बोली हमें लगा तुम्हें आदत पड़ गई लड़वे की और का, लेकिन जा समझ में नहीं आ रही का। अरे मजा आ रहा है रोज की लड़ाई में, सुधरो नार का पराई में, मजा आ रहा है रोज की लड़ाई में, हाँ धरो नार का पराई में, अरे मजा आ रहा है रोज की लड़ाई में, धरो नार का पराई में। कसुजनन की ऐसी आदत होते है, घर में चाहे जितनी सुंदर श्रीमती होए, लेकिन जब लोग नाय माता का झांकी निकलने जब लोग ने अच्छा नहीं लगा। कह रही और का तुम्हारे भी मजे ले, ताका झांकी नहीं करने, लेकिन नहीं तो लफड़ा है। कह रही तुम ऐसे हो, अरे चल चलन छाती में आसी, सैया कर रहे सत्यानाशी, कितनी जानत तुम बदमाशी, चल चलन छाती में आसी, कितनी कर रहे तुम बदमाशी, पूरी हो गई सत्यानाशी, तो मैं तो कर रही अरे हाँ, के मैं तो कर रही हूँ खूब चढ़ाई में। बोली तुम्हें इतना टॉप टॉप को चरवा रहे दो ही थे, वो खा खा के नाए वाए जा रहे, तुम गलत बात है। अरे खूब कर रही हो तुमरी चराई में, सो धरो नार का पराई में, ना भाव चाहिए काहे देसे। अरे कौन चीज है नैया मोरे, जात काहे हो ऊके दोरे, फिर रहे हो मरे आधा चोरे, सो मीठो रस है अरे हाँ, के मीठो रस है हर खेत की पराई में, सो धरो नार का पराई में, अरे मीठो रस है हर खेत की पराई में।
नहीं होवे के नाते समझा रहे और तुम उल्टे जा रहे। ज्यो ज्यो रोको खालो के उजनन में धोको साधन हो गो हलो हलो को के रही। अगर कोनो सो नंबर लगा दे तो बेदे बेदे फिर अरे उल्टे जा रहे। ज्यो ज्यो रोको खालो के उजनन में धोको साधन हो गो हलो हलो को लखन साजे में सार ना बुराई में। अच्छे मन से मान जाओ तो अच्छी बात।